What's up guys, this is Shupriyo. You are watching Health and Fitness TV, your only one channel where you get each and every kind of information about health, fitness, health issues, each and every kind of information of that. So फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोग के शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक्स अ लॉट टू ईच एंड एवरी वन जिन्होंने मेरे चैनल को इतने सारे लाइक और इतने सारे प्यार जताए हैं और सब्सक्राइब किए हैं. थैंक्स टू ईच एंड एवरी वन. एंड जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, प्लीज़ गो अहेड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, हेल्थ एंड फिटनेस टीवी को. थोड़ा प्यार और थोड़ा सपोर्ट दिखाइए हेल्थ एंड फिटनेस टीवी को, ताकि आप लोगों के प्यार से ही सारा जो नॉलेज है मैं आप लोगों को शेयर कर पाऊँ, आप लोगों तक पहुँचे. सो आज कुछ नया बात करेंगे. प्रोटीन के बारे में हम सब लोग बात करते हैं. व्हाट एग्जैक्टली द प्रोटीन इज़, डेप्थ नॉलेज सबको होना चाहिए. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, एस्थेटिक फिजिक्स खेलते हैं या मेंस फिजिक्स खेलते हैं, जो लोग एथलीट हैं या प्रोफेशनल ट्रेनर है, सिर्फ उन लोगों को पता चलना चाहिए. ईच एंड एवरी पीपल शुड नो व्हाट एग्जैक्टली द प्रोटीन इज. प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज होना सबको ज़रूरी है, सबके लिए ये ज़रूरी है. सो आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो है थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा प्रोटीन के बारे में. प्रोटीन कितने टाइप्स के हैं और मतलब प्रोटीन एक्चुअली क्या है. तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही है, प्रोटीन इज बिल्डअप ऑफ ब्लॉक्स ऑफ अमाइनो एसिड. सबको ये चीज़ पता है, जिन लोगों को पता नहीं है मैं उन लोगों को फिर से दोबारा बताना चाहूँगा. प्रोटीन इज बिल्ड ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ द अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड्स के ब्लॉक्स से ही प्रोटीन बनते हैं. सो प्रोटीन एक्चुअली हम लोग जो फूड कंज्यूम करते हैं सिर्फ उससे नहीं होता है, हमारे बॉडी में भी सिंथेसाइज होता है, सिंथेसिस होता है प्रोटीन. सो उसके कैटेगराइज्ड मैं आप लोगों को बताऊँगा. सो प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन कितने तरह का होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन बिल्ड अप ऑफ द अमाइनो एसिड. सो अमाइनो एसिड के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. प्रोटीन के जो अमाइनो एसिड्स है, प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू द अमाइनो एसिड, राइट. सो प्रोटीन अमाइनो एसिड जब बन जाता है, मतलब ब्रेक होने के बाद जब बन जाता है अमाइनो एसिड, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कितने अमाइनो एसिड्स का ज़रूरी है और अमाइनो एसिड्स क्या है, क्या टाइप क्या है, सब कुछ मैं बताता हूँ आज आप लोगों को. सो अमीनो एसिड जो है 21 प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड इज अ कंप्लीट प्रोटीनो अमीनो एसिड, प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड, राइट. सो 21 अमीनो एसिड्स हम लोग बोलते हैं, 21 अमीनो एसिड्स. सो 21 अमीनो एसिड क्या क्या है और किस टाइप में डिवाइड किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे. 21 अमीनो एसिड्स जो हैं उसमें से 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं. बाकी के जो अमीनो एसिड्स हैं वो आपका कन्वेंशनल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं. सो एसेंशियल अमीनो एसिड एक्चुअली क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो आपका शरीर बना नहीं पाता, मतलब आपका बॉडी सिंथेसिस नहीं कर पाता है उसको आपको फूड के द्वारा ही आपको इनटेक करना पड़ेगा, फूड के द्वारा ही आपको लेना होगा, चाहे आप वेज हो या नॉन वेज हो, आपको फूड के द्वारा ही, फूड के मीडियम से ही आपको लेना होगा. ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स और ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड से ही एक कंप्लीट प्रोटीन ब्लॉक बनता है. 9 एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है. फर्स्ट ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, हिस्टिडिन, फिनाइलाइन, थ्योरिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन. ये आपका नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रोफाइल है जो कंप्लीट प्रोटीन ब्लॉक बनाता है। राइट, अभी बात करेंगे कन्वेंशनल अमाइनो एसिड क्या है। कन्वेंशनल अमाइनो एसिड जो है, कन्वेंशनल अमाइनो एसिड एक्चुअली उसको कन्वेंशनल नहीं बोला जाता है, उसको कंडीशनल अमाइनो एसिड होता है एक्चुअली। क्योंकि इसका रीजन है, जब ये आपका बॉडी सिंथेसाइज करता है एक्चुअली, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा ये कंडीशनल अमाइनो एसिड जो है ये आपका बॉडी खुद सिंथेसाइज करता है, बट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय आपको एक्सटर्नली इनटेक करना पड़ता है, थ्रू फूड, थ्रू टैबलेट्स, व्हाटएवर मे बी, आपको इनटेक करना पड़ता है। सो दैट्स द रीजन इट्स कॉल्ड अ कंडीशनल अमाइनो एसिड। ठीक है, तो कंडीशनल अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं? अर्जिनाइन, सिस्टनाइन, ट्रायोसाइन, ग्लूटामाइन, प्रोलाइन, सेराइन और ऑल आर कंडीशनल अमाइनो एसिड्स। राइट, सो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या है? थर्ड जो है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एक्चुअली आपके जो आदर्श अमाइनो एसिड है वहां से सिंथेसाइज होता है, आपका बॉडी वहां से सिंथेसाइज करता है, या आपका फैटी एसिड या ग्लूकोज से सिंथेसाइज होता है। सो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड आपका बॉडी सिंथेसाइज करता है दूसरे किसी अमाइनो एसिड से, या आपका फैटी एसिड से, या आपका ग्लूकोज से। ठीक है, सो ये कौन कौन से हैं, कौन कौन से अमाइनो एसिड नॉन एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में आते हैं। एलेनाइन, एस्पर्टिक, एस्पर्टिक एक आपने सुना होगा एस्पर्टिक एसिड, एस्पेराजिन, ग्लूटामाइन, सॉरी नॉट ग्लूटामाइन, इट्स अ ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामाइन आपका कंडीशनल अमाइनो एसिड में आता है, ग्लूटामिक अमाइनो एसिड। सिरेनोसिस्टिनाइन, सिरेनोसिस्टिनाइन, ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये आपका नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। अभी बात करेंगे टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, कितने टाइप्स के होते हैं। राइट, कितने टाइप्स के हैं? फर्स्ट आपका आता है BCAA, जो हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट। राइट, बट वो सप्लीमेंट के हिसाब से BCAA आता है, बट नेचुरल फूड से जो मैं बताता हूँ आप लोगों को, नेचुरल न्यूट्रिएंट्स ही सबसे बेस्ट है, तो नेचुरल फूड से भी आपको ये BCAA मिल सकता है। सो BCAA, what does mean by BCAA? BCAA is a branch chain amino acids, branch chain amino acid है ये। कौन कौन से हैं? ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, ये जो आपका मैंने तीन आपको जो बताया, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड वैलिन, these are all the BCAAs। क्या करता है ये? आपका प्रोटीन सिंथेसिस करता है इन द मसल, मसल्स में आपका प्रोटीन सिंथेसिस करने के काम में आता है। अभी सेकंड टाइप का बात करेंगे, सेकंड टाइप अमाइनो एसिड, वो है आपका एसिड एंड बेसिक अमाइनो एसिड। एसिड अमाइनो एसिड जो होते हैं एस्पेरेटिक अमाइनो एसिड, एस्पेरेटिक एसिड जिसे बोला जाता है। एस्पेरेटिक एसिड आपका एसिडिक अमाइनो एसिड है। ग्लूटामिक अमाइनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड भी आपका एसिडिक अमाइनो एसिड प्रोफाइल पे आता है। बेसिक कौन कौन से हैं? बेसिक अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं? लाइसिन, हिस्टिडिन, अर्जिनाइन, ये आपका बेसिक अमाइनो एसिड्स है। जो अमाइनो एसिड से सल्फर, जिस अमाइनो एसिड में आपका सल्फर कंटेंट होता है, सल्फर, सल्फर इज वेरी डेंजरस इन होता है। सो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं? थर्ड टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं। सिस्टिनाइन, होमोसिस्टिनाइन, टाउरिन, मिथोनाइन, ये आपका सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं। सो दिस आर ऑल द अमाइनो एसिड्स। मैं अमाइनो एसिड के बारे में बात किया, प्रोटीन ब्रेकडाउन होने के बाद जो अमाइनो एसिड्स बनते हैं, अमाइनो एसिड के बारे में मैंने बात किया। सो अमाइनो एसिड के बारे में डिटेल्स, एक आइडिया डिटेल्स में बात करेंगे मेरा कमिंग फ्यूचर वीडियो में। सो अभी जो मैं बात करूंगा, जो अमाइनो एसिड्स हैं जो मैंने 21 प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड की मैंने बात किया है। सो उसमें आपका 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, आप लोगों को पता है। सो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हमारे बॉडी को कितना परसेंटेज जरूरी है, कितना जरूरी है, कितना ग्राम, कितना मिलीग्राम जरूरी है, वो थोड़ा सा डिटेल्स में बताते हैं आप लोग को। जैसे आपका 9 एसेंशियल में आपका आता है फिनाइलाइन। फिनाइलाइन जो अमीनो एसिड्स है आपके 25 mg/kg ऑफ योर बॉडी वेट, आपके बॉडी के जितना वेट है पर केजी के हिसाब से 25 mg जरूरी है। लेओसिन आपका 39 mg/kg ऑफ योर बॉडी वेट। लाइसिन 30 mg/kg ऑफ योर बॉडी वेट। वैलिन ये आपका 26 mg/kg ऑफ योर बॉडी वेट। थ्योनाइन ये आपका 15 mg/kg ऑफ योर बॉडी वेट। मिथोनाइन ये भी 15 mg/kg ऑफ योर बॉडी वेट। आइसोल्यूसिन 20 mg/kg ऑफ योर बॉडी वेट। हिस्टिडिन 10 mg/kg ऑफ योर बॉडी वेट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन 4 mg/kg ऑफ योर बॉडी वेट। ट्रिप्टोफैन के बारे में मैंने आपको बताया था, जो आपका मेलेटोनिन और सेरोटोनिन जो हार्मोन है, मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन जो हार्मोन है आपको रिलीज करते हैं आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से, और आपको रिलैक्स और स्लीप दोनों देता है। सो ट्रिप्टोफैन जो है 4 mg/kg ऑफ योर बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए। तो ये था मेरा एक ब्रीफ आइडिया, ब्रीफ इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैंने आप लोगों को दिया। प्रोटीन के बारे में, थोड़ा अमीनो एसिड के बारे में मैंने बताया आप लोगों को। सो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा है, ऑब्वियसली ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हेल्थ एंड फिटनेस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बिकॉज आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सपोर्ट से ही जो हेल्थ एंड फिटनेस टीवी है आगे बढ़ रहा है, और आगे चल के आप लोगों के बेनिफिट के लिए और अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए आएगा। सो प्लीज सब्सक्राइब हेल्थ एंड फिटनेस टीवी एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस। और अगर आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे ज़रूर फॉलो कीजिए, ट्विटर पे ज़रूर फॉलो कीजिए, लिंक सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा और वहाँ से आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज शुप्रियो, ओवर एंड आउट।